नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मार्च गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद विजय जुलूस निकालने पर लगे प्रतिबंध को गुरुवार को हटा दिया। आयोग ने एक बयान में कहा कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि मतगणना के दौरान और बाद में विजय जुलूस निकालने से संबंधित दिशा निर्देशों में राहत दी जाए और विजय जुलूस निकालने पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह हटा लिया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ रहे विवाद पर अब नरमी आने लगी है, जिसकी वजह से सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर भी अंकुश लग गया है। गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2,350 रुपए की कमी आई है, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 3,000 रुपए घटकर 71,000 रुपए पर पहुंच गई है। इसके बाद बाजारों में एक बार फिर ग्राहकों की रौनक देखने को मिल रही है। राजस्थान में 2 दिन बरसात और ओले गिरने के बाद आज मौसम साफ हो गया। कुछ शहरों में रात के तापमान में गिरावट रही है। चित्तौड़गढ़, बारा, सीकर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई, लेकिन अब गर्मी सताएगी। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 4 दिन मौसम साफ रहेगा। अब तापमान बढ़ने से दिन और रात में गर्मी का असर तेज होगा। वाघा बॉर्डर की तर्ज पर जैसलमेर की सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी को लेकर बीएसएफ ने कुछ समय मांगा है। जिला प्रशासन भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट को लेकर विचार कर रहा है। तैयारियों को पूरा कर जल्द रिट्रीट सेरेमनी की डेट फिक्स की जाएगी। जैसलमेर कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि बॉर्डर टूरिज्म को लेकर सबसे बड़ी योजना बनकर तैयार है। कुछ कारणों की वजह से देरी हो रही है। बीएसएफ अभी कुछ और दिनों का समय मांग रही है ताकि रिट्रीट सेरेमनी की तैयारियों को पूरा किया जा सके। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लोगों को दिलाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं। विभाग ने योजना से लोगों को जोड़ने के लिए रिस्पॉन्स टीमों का गठन किया है, साथ ही अब गांवों तक कैंप लगाकर लोगों को योजना से जोड़ रहा है। अस्पतालों में जाने के बाद भी परेशान हो रहे मरीजों की मदद के लिए कोऑर्डिनेटर तैयार रहेंगे। डूंगरपुर के डिप्टी CMHO डॉक्टर विपिन मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में हर एक व्यक्ति को लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान भाजपा महिला मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के जयपुर में सरकारी बंगले के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी महिला मोर्चा के बीच झड़प हो गई। पुलिस से धक्का मुक्की और झड़प में जयपुर शहर महिला मोर्चा अध्यक्ष अनुराधा महेश्वरी की चूड़ियां टूट गई और हाथों में चोट लग गई। कुछ अन्य महिलाओं के भी हाथ पैरों में खरोंचे और चोट आ गई। कई महिलाएं जमीन पर गिर गईं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम जानने के बाद अलवर के सांसद महंत बालकनाथ ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनका संप्रदाय एक है। एक तरह से सीएम आदित्यनाथ के रूप में उनके बड़े भाई की जीत है। सांसद बालकनाथ ने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़े हैं। यूपी की सरकार ने केंद्र व राज्य की योजनाएं जनता के चूल्हे तक पहुंचाई हैं। कुर्सी टेबल को कुर्क होने से बचाने के लिए जो राशि का चेक जयपुर नगर निगम आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव ने पिछले महीने कोर्ट के जरिए एनजीओ निदान को दिया था वो क्लियर नहीं हुआ। नगर निगम प्रशासन ने उस चेक की राशि की क्लियर होने से पहले ही स्टॉप करवा दिया। नगर निगम के इस कदम ने एनजीओ ने नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में जाकर अवमानना याचिका दाखिल करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत को देखते हुए जैसलमेर में जश्न मनाया गया। जिला बीजेपी ने बुलडोजर पर चढ़कर योगी को मिले बहुमत पर जुलूस निकालकर शहर में जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा के नेतृत्व में शहर में मुख्य मार्गों से जुलूस निकालकर मोदी योगी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। शहर में बुलडोजर पर चढ़े बीजेपी के लोगों को हर कोई देखने को उमड़ पड़ा। टोंक में जिला कलेक्टर ने 43,000 से ज्यादा बोर्ड परीक्षार्थियों की परेशानी को समझते हुए उनको सफलता के टिप्स दिए हैं। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर कहा कि वे परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को अच्छे से मोटिवेट करें। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बोर्ड स्टूडेंट के नाम संदेश दिया है कि 2 साल से कोरोना के चलते पढ़ाई काफी प्रभावित रही है। इसके बावजूद ई लर्निंग, रेमेडियल क्लासेस और मॉडल पेपर से अभ्यास कराया गया है। सिरोही की अजारी पंचायत में विकास कार्यों के मंजूरी से पहले ही कूटरचित तरीके से सामान खरीदने का मामला सामने आया है। महिला सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ
पिंडवाड़ा पुलिस ने 5 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पंचायत समिति पिंडवाड़ा के सहायक विकास अधिकारी भोगाराम गरासिया ने विकास अधिकारी के निर्देश पर अजारे सरपंच लीला देवी, पत्नी माना राम रेबारी और ग्राम विकास अधिकारी दलपत कुमार लोहार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। देश के 5 राज्यों में चुनाव परिणाम की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। दौसा जिले के लालसोट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फूले सर्किल पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मोदी, योगी व जय श्री राम के नारे लगाए। भाजपा नेता रामविलास डूंगरपुर, शिवशंकर जोशी, पूर्व वाइस चेयरमैन महेंद्र जैन, अनिल बेनाडा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। केरल के एक मलयालम न्यूज चैनल के प्रसारण पर केंद्र सरकार की लगाई गई रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन ने इस मामले में केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा है। केंद्र ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस चैनल के प्रसारण पर रोक लगाई है। राज्य सरकार की शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। डिस्कॉम क्षेत्र में इस योजना के तहत चित्तौड़गढ़ से करीब 68,000 से ज्यादा किसान फरवरी और मार्च महीने में इस योजना से लाभान्वित होंगे। योजना के तहत अनुदान का लाभ पाने के लिए सभी पात्र कृषि उपभोक्ताओं को अपने बिजली का बकाया बिल मार्च माह तक जमा कराना होगा। सरकारी अस्पतालों की सेहत सुधारने के लिए चिकित्सा विभाग ने अधिशेष स्वास्थ्य कर्मियों को अपने मूल स्थान पर भेज व्यवस्था सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन समस्या की मूल जड़ का समाधान अब भी नहीं ढूंढ पाया है। प्रदेश में इस समय करीब 3,000 छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों में से 2,500 ऐसे जिलों में हैं जो छोटे जिलों के हैं या सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्थित है, जहां करीब 75% स्वास्थ्य कर्मी वह मुश्किल ही जाना चाहते हैं, जबकि कुल उपलब्ध करीब 1,00,000 नियमित स्वास्थ्य कर्मियों से इतनों की ही जरूरत गांवों के लिए है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।